हे गाइज, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क तो बना लेते हैं और खर्चा बढ़ जाता है, उस टाइम हम लोग कैसे अपने टीम को मैनेज करें जो कि हमारा टीम ना टूटे। हे गाइज, दिस इज सैभान अंसारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क तो बना लेते हैं, टीम तो बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का टीम टूट जाता है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टीम तो आप बना लेते हैं, लेकिन उस टीम को हम लोग मैनेज कैसे करें जो कि हमारा टीम ना टूटे। क्योंकि बहुत सारे लोग टीम बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं, बहुत सारा टीम बन जाता है, लेकिन उन लोगों को कुछ बातें पता नहीं होने के कारण उनका टीम टूट जाता है। तो गाइज, उस चीज को हम लोग कैसे रोके, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर उसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज, हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम आईडी से @sevanansari43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, पहला पॉइंट है नए लीडर्स को छोटा छोटा काम देना। गाइज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो लीडर बन जाते हैं, लीडर बनने के बाद उनके नीचे भी छोटे छोटे लीडर्स होते हैं, लेकिन वो लीडर करता क्या है, जो बड़ा वाला लीडर है, नीचे वाले लोगों को काम देता ही नहीं है। काम देने का मतलब ये नहीं कि उनको फील्ड में भेज दिए, फील्ड में उन्हें काम करवा रहे हैं और बैठ के पैसा खा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई लीडर फील्ड में जाता है, प्लान करता है, प्लान करने के बाद वहां से सेल लेके आता है, तो आप क्या करिए, उस लीडर को छोटा छोटा काम दीजिए। छोटा छोटा काम कहने का मतलब, उस बंदे को आप पैसा दीजिए, बोलिए जाओ इसको आप बैंकिंग करके आओ, आप आईडी लगाओ, उसको आईडी लगाने का सिखाइए, उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देने के बारे में सिखाइए। तो गाइज, इसी तरीके का छोटा छोटा काम अपने नीचे आप लोगों को, छोटे छोटे लीडर्स को देने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं और छोटे जो लीडर्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं, प्लान कर करके, फॉलोअप कर करके, जब उनका रिजल्ट नहीं आता है तो वो काम छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस बंदे को, उस लीडर को, जो छोटा लीडर है, उस लीडर को अगर आप छोटा छोटा काम देंगे, उसे आप बैंकिंग कराएंगे, उससे आप आईडी लगवाएंगे, उसे आप कहेंगे कि भाई आपको छोटा सा पार्ट करना है प्रेजेंटेशन में, तो उसका जो मन है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो बढ़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग को करने को लेकर। तो गाइज, इन सब चीजों को ध्यान देना, ये छोटा सा ही बात है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, और ये गलती कर जाते हैं और बहुत सारे लोगों का टीम टूट जाता है। गाइज, सेकेंड पॉइंट है नए लीडर को जबरदस्ती ना खरीदवाएं। ना खरीदवाएं का मतलब समझिए, बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने छोटे छोटे जो न्यू लीडर्स आते हैं उन्हें कहते हैं कि लैपटॉप ले लो, उन्हें कहते हैं आप बाइक ले लो, कार ले लो, जबकि वो यहां से इनकम किया नहीं है, लेकिन पब्लिक चाहते हैं कि भाई तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, देखना चाहते हैं पब्लिक। और इसी प्रेशर में आके नए लीडर्स जो हैं, फ्रेशर लीडर जो हैं, वो करते क्या है, बड़ा बड़ा सामान खरीद लेते हैं और वो फंस जाते हैं। और वो फंसने का रीजन क्या है कि गाइस, सोच के देखिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग में जब शुरुआती दौर पे आया है तो वो बंदा इनकम नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोन में बाइक निकाल लिया, लोन में लैपटॉप निकाल लिया, लोन में कार निकाल लिया, और गाइस उस बंदे को लोन भरने के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, और वो बंदे के ऊपर प्रेशर आएगा और वो एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रेशर पड़ रहा है। तो गाइज, आप लोगों को ये चीज को ध्यान देना है, ये छोटा सा ही बात है लेकिन इस बात के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। गाइज, अगर आप किसी बंदे को खर्च करवा देंगे, यानी कि लोन में फंसवा देंगे, गाइज पहली बात तो वो फील्ड में जा रहा है, उसका खर्चा हो रहा है, मीटिंग में जा रहा है खर्चा हो रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है खर्चा हो रहा है, अगर आप उसे एक्स्ट्रा खर्च करवाएंगे लोन देने में, तो वो बंदा कैसे टिकेगा, आप ही बताइए। तो गाइज, इन चीज को आप लोगों को बहुत बाखूबी से ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट है गाइज, नए लोगों को माहौल में रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, जब उनका सेल आने लगता है तो वो आराम करने लगते हैं, अपने टीम में वो ध्यान नहीं देने लगते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार, अब तो मेरा टीम उठ गया, अब तो मेरा सेल आने लगा, अब तो मेरा इनकम बन रहा है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब तक आपके चेक नहीं बन रहे, आप आराम से रह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, आप थोड़ा सा आराम से रह सकते हैं, लेकिन जब आपका चेक बनने लगे तो थोड़ा गौर करिए कि वो चेक कैसे बन रहा है,
वो चेक आपका तभी बन रहा है जब आपके नीचे लोग जुड़ रहे हैं, जब आपका टीम बिल्ड हो रहा है। और उसी टाइम अगर आप सोएंगे, उसी टाइम अगर आप टीम में ध्यान नहीं देंगे, तो आप बताइए सेल तो आ जाएगा, इनकम तो आपका बन जाएगा, चेक्स तो आपके बन जाएंगे, लेकिन आपका नेटवर्क बिल्ड नहीं हो पाएगा, वो टीम कहीं ना कहीं डेड हो जाएगा। एक बार वो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदने के बाद वो सो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को करना क्या है ना, जब नए लोग आपके टीम में आ रहे हैं तो उसे सबसे पहले नाइट ट्रेनिंग कराइए, उसे सुबह शाम ट्रेनिंग दीजिए, बात करिए उनसे, कॉलिंग करिए बढ़िया तरीके से, उन्हें बात करिए कि भाई आपके रिलेशन में क्या क्या चल रहा है, आपके काम वगैरह कैसे चल रहे हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से जो भी पहले वो काम करता था उस काम के बारे में पूछिए, फिर उसको बोलिए इधर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, पार्ट टाइम में काम करिए। इस तरीके से आप लोगों को अटैचमेंट होना है वो नए लीडर के साथ, क्योंकि अगर आप अटैचमेंट नहीं होंगे, रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बंदा धीरे धीरे डीमोटिवेट होके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, जिस कंपनी में आप काम उसे करवा रहे हैं, वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। तो गाइज आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो भी मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, उसमें आपको अपने लीडर्स को, जो नए लीडर्स हैं, उसे आप लोगों को ट्रेनिंग में, मीटिंग में लेके जाना है, अटेंड करवाना है। गाइज 4 पॉइंट है, सेल का पैसा ना उठाएं। गाइज ये बहुत सारे लोग 60-90% लोग, अधिकतम लोग ये गलती क्या कर जाते हैं कि जो सेल आ रहा होता है उस सेल को खर्च कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो उठा देते हैं उस पैसा को। और गाइज उनका सबसे बड़ा फेल होने का बिजनेस में यही कारण होता है, क्योंकि गाइज अगर आप सेल को उठा रहे हैं तो उसे आप रिकवरी कैसे करेंगे, रिकवरी करने का कोई साधन है नहीं है। तो गाइज सबसे बड़ा कारण होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होने का, क्योंकि मैंने ये चीज देखा हुआ है, तो यही होता है गाइज। तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, जो भी सेल्स आ रहे हैं उस सेल्स को आप ना रोकें, उस सेल्स को आप कंटिन्यू उसे आप ग्रीन कराएं, उस आईडी को आप ना रोकें। अगर आप आईडी को रोक देंगे तो आपका जो बंदा काम कर रहा है ना, वो तो नेगेटिव होगा ही, और जो नया आने वाला है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो गाइस इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा घाटा है, इसलिए आप लोगों को सेल्स नहीं रोकने हैं। जो भी बंदा सेल्स रोका है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं हो पाया है। तो गाइस आप लोगों को सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी सेल्स आते हैं उस सेल्स को रोकना नहीं है, ग्रीन करना। अगर आप फटाफट उसे रन करेंगे तो पैसा देगा सामान आएगा, टीम बिल्ड होगा, चेक बनेगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो टीम के लोग हैं वो एक्टिव रहेंगे, और वो लोग जो हैं इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे। तो गाइज आप लोगों को इन चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्स को रोकना, सेल्स को आपको कभी भी नहीं रोकना, चाहे आपके पास कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, आप लोगों को सेल्स नहीं रोकना है। तो गाइज ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि गाइज आप लोगों को अंदर का बात पता चल सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर का बात को नहीं बताते, और गाइज मैंने इस चैनल के अंदर आप लोगों को बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स बताया जो कोई नहीं बताता है, यूट्यूब ने या फिर आपके कंपनी वाले भी नहीं बताएंगे, आपके लीडर्स भी नहीं बताएंगे। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बढ़िया लगा होगा। गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी @sabanansari43, आप उसे जाएं उसे फॉलो करें। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय।